हमारे पेरेंट्स के बहुत बड़ी समस्या है, या यूं कहें बहुत बड़ा कंप्लेन रहता है बच्चों को लेकर के, कि आजकल के बच्चे जो है बड़ी इनडिसिप्लिन है, इन्हें मैनर नहीं आता है बड़ों से, या ग्रैंड पेरेंट्स का भी कई दफ़ा ये सुनते हुए हम लोग को मिल जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े इनडिसिप्लिन है, इन्हें मैनर नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने में अपनी ही गलती खुद पे भारी पड़ रहा हो? तो मेरा कहने का मतलब है, ये सारे पेरेंट्स के लिए नहीं, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनसे कुछ मिस्टेक्स हो जा रही हैं, उन्हें गौर करने की ज़रूरत है कि ये गलती खुद पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे बाहर ज़्यादा किताबी चीज़ें से ज़्यादा अपने आसपास की चीज़ों से ही सीखते हैं, तो उनमें सुधार की ज़रूरत। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे कई सारे पेरेंट्स को मैंने देखा कि या आसपास में ही आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे या जो भी टीनेजर्स होते हैं, वो जब उन्हें जगाने जाया जाता है, पेरेंट्स जब जाते हैं जगाने, तो बड़ी स्कॉल्ड वे में जगाते हैं, बड़ी झकझोरते हुए उन्हें जगाते हैं, वो भी इम्पैक्ट है। तो ये भी एक इम्पैक्ट, उन्हें इरिटेशन सिखा जाती है माइंड में, और उन्हें मॉर्निंग से ही वो चीज़ अगर चलती रही तो आगे जो उनका डे गुजरता है वो इरिटेशन के साथ गुजरता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा डियर पेरेंट्स, कि कोशिश करें कि खुद के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज लाएं, बच्चों के साथ बिहेवियर के साथ थोड़ा फ्रिक्वेंसी मैच करें कि वैसे बच्चों को कैसे समझाया जाए। हाँ, मानता हूँ बच्चे नादानी करते हैं, गलती करते हैं, लेकिन अगर हम अपने में थोड़ी सी सुधार ला लें तो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे ना सिर्फ बच्चों के साथ, मैंने तो कई ऐसे भी देखे हैं कि अपने फ्रेंड्स को स्क्वाड करके, वही बात, एक सिंपल एग्जांपल है कि आप ये देखें कि आप सोए हुए हैं, उन्हें जगाने की जो तरीका है उन्हें प्यार से भी जगा सकते हैं आप। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप देखिए कि जो हम सब जब सो रहे होते हैं उस समय जो स्टेट्स होता है वो बिल्कुल चेंज होता है, जब माइंड दूसरे जगह काम कर रहा होता है, कई सारे सपने आते हैं लोगों को, खासकर टीनेजर्स में, तो उस स्टेज में वो रहता नहीं है, और अचानक से कई बार आप ये देखते होंगे जगाने के क्रम अचानक से बैठ जाते हैं, बच्चे डर से जाते हैं, तो उस समय बड़ी झल्लाहट सी होती है बच्चों में कि नहीं, जगने का मन नहीं करता, बावजूद जगाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जगाना चाहिए, लेकिन वे ऑफ उन्हें चेंज करना होगा, तरीका बदलना होगा, प्यार से समझा के जगाना होगा। ऐसे कई सारे अपने आसपास के दोस्त में भी, इवन वाइफ हस्बैंड में भी आप देखेंगे कि इतने देर से जगे सोए हुए हैं, इतना टाइम हो गया, ऐसे कई सारी बातें। तो यहाँ पे गौर करने की बात, प्लीज़ स्टार्ट ऑफ द डे है, मॉर्निंग टाइम है, और वो इरिटेशन उन्हें पूरा डे तक रहता है। तो प्लीज़ किसी को भी ऐसा ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है, और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा जो चेंज है बच्चों में दिखेगा, या आप जिसमें भी चेंज देखने को कोशिश कर रहे हैं उसमें भी वो चेंज देखने को मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं इस पर भी और भी पेरेंटिंग्स पे वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।